हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जजमेंट राइटिंग। इससे पहले भी एक वीडियो आई थी जहां पर हमने क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग डिस्कस करी थी, जो कि हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट और थेफ्ट का केस था। आज के इस जजमेंट में हम डिस्कस करेंगे 498A को, और आई होप ये जो जजमेंट राइटिंग की सीरीज़ है ये आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। और इसके साथ ही इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं या आप हमारी पेड लीगल सर्विसेज या लीगल ड्राफ्ट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं www.golegal.com या फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आ जाते हैं अब इस जजमेंट पे। बेसिकली ये जो जजमेंट है वो 498A के लिए है। क्या फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स पर आ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर में अगर आप MP को टारगेट कर रहे हैं या फिर आप छत्तीसगढ़ को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पे लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन आता है जजमेंट राइटिंग का। वहीं साथ ही अगर आप किसी और स्टेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जजमेंट राइटिंग आती है। पर अगर जजमेंट राइटिंग नहीं भी आती है, स्टिल वहाँ पर कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर कि आपको फैक्ट्स दिए होते हैं और आपको अप्रेज करके उसका आंसर लिखना होता है। तो अगर आपको जजमेंट राइटिंग आ जाएगी तो आप उस तरह के एनालिटिकल आंसर्स को सॉल्व करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर आप MP या फिर छत्तीसगढ़ को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे कि 40-40 नंबर की जजमेंट राइटिंग आती है, वहाँ पर आपको सब कुछ दिया होगा। प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी दी होगी, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस होगी, डिफेंस की एविडेंस होगी, दोनों की आर्ग्यूमेंट्स होंगी, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि इस पूरे केस में एक्विटल होगा या फिर कन्विक्शन। हम क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। और सेम इसी तरीके से जैसे अगर आप राजस्थान को देखेंगे तो राजस्थान में आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें आपको फॉर्मेट में नहीं लिखना है, पर जो अप्रेजल वाला पैराग्राफ है वो आपको वहाँ पर भी काम आएगा। इसी तरीके से सभी स्टेट एग्ज़ाम में अगर जजमेंट राइटिंग नहीं भी है, स्टिल क्वेश्चन आंसर्स में ये आपको हेल्प करेगा। तो अब यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर देते हैं जजमेंट राइटिंग। अब इस केस के फैक्ट्स क्या हैं, फैक्ट्स मैं बता देती हूँ। सुभाष है जिसकी मैरिज हुई है कमला से 2/9/2014 को। देखिए, जहाँ पर भी डेट आएगी तो डेट, टाइम और प्लेस, ये तीनों चीज़ आपको नोट करते जाना है क्रिमिनल जजमेंट में। यहाँ पे कहते हैं सुभाष की शादी हुई है कमला से 2/9/2014 को, 2 सितंबर 2014 को। मैरिज के बाद जो सुभाष है वो डिमांड, कैश की डिमांड करना शुरू कर देता है एक्यूज्ड से, और एक कहता है कि तुमने शादी में हमें प्रॉमिस किया था कि कार दोगे, तुमने हमें वो कार भी नहीं दी है। और कहता है कि मोहनलाल जो कि कमला के फादर हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया है तो वो कमला को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, उसको हमें कॉन्स्टेंटली टोंट करना शुरू करते हैं कि तुमने हमें दहेज नहीं दिया है। 15/10/2017 को, यानी शादी के लगभग 3 साल के बाद, जब कमला को इस तरह की टोंटिंग मिल रही थी कि उसको उसकी जो डाउरी की डिमांड है उसके हस्बैंड की वो पूरी नहीं हुई है, तो ये झगड़ा अब इन दोनों के बीच में एक, ये जो डेली की टोंटिंग है ये अब इन दोनों के बीच में झगड़े का कारण बनता है। उसके बाद जो एक्यूज है हमारे इस केस में, जो एक्यूज है वो है सुभाष, यानी कि हस्बैंड। जो हस्बैंड है वो गुस्सा आ जाता है इस बहस से, और वो कमला के यानी कंप्लेनेंट के सिर पर एक मूर्ति पड़ी होती है वो देकर मारता है, और उसको उसके सिर के बाल से पकड़ता है और घर से बाहर निकाल देता है, यानी ससुराल से बाहर निकाल देता है। अब जो कमला है यानी जो कंप्लेनेंट है वो अपने फादर के घर जाती है और जाके अपने फादर को पूरा इंसिडेंट बताती है कि उसके साथ हुआ क्या है। तभी इमीडिएटली वो बिलासपुर सिटी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर FIR लॉन्च कर देते हैं। उसके बाद कंप्लेनेंट को यानी कमला को उसकी एग्जामिनेशन के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। सब इंस्पेक्टर कुलकर्णी जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं इस पूरे ऑफेंस को, और उनकी उसके साथ ही जो ये सब इंस्पेक्टर हैं ये सभी विटनेसेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, और साथ ही जो इनके पति हैं यानी सुभाष जो हैं उसको अरेस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है कंप्लेनेंट कमला PW1 का क्या मतलब है, PW1 का मतलब है प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 बनी है ये,
प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर वन जो कि कमला है, ये प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी को सपोर्ट करती है। साथ ही जो उसके फादर हैं मोहनलाल, ये प्रोसिक्यूशन विटनेस टू हैं, ये भी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को कॉरोबोरेट करते हैं। मतलब जैसे कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी, स्टेट की स्टोरी जैसी कि चल रही है, सेम वही बात उसके फादर भी आकर बोलते हैं और आकर ये कहते हैं कि उनकी बेटी ने आकर उन्हें बताया कि जो ससुराल वाले हैं वो कैश की डिमांड करते हैं, वो कार की डिमांड की गई है सुभाष ने, और साथ ही वो कहते हैं कि ये लोग जो ससुराल वाले हैं वो उनकी बेटी के साथ गलत तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। उन्होंने दो लेटर भी कोर्ट में प्रोड्यूस करे हैं जो कि हैं एग्जिबिट P1, जहाँ पर भी आप देखेंगे क्वेश्चन में EXP1 लिखा हुआ है, तो EX का मतलब होता है एग्जिबिट, P1 का मतलब है प्रोसिक्यूशन की साइड से फर्स्ट डॉक्यूमेंट आया है। इसी तरीके से EXP2 यानी एग्जिबिट प्रोसिक्यूशन की साइड से दूसरा डॉक्यूमेंट कोई आया है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है EXD1 यानी एग्जिबिट D1 यानी एग्जिबिट डिफेंस की साइड से कोई डॉक्यूमेंट आया है, तो यहाँ पे दो लेटर आते हैं कोर्ट के सामने। और ये बात ध्यान रखिए कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट की फाइल पर एग्जिबिटेड नहीं है तो वो फाइल पर पढ़ा नहीं जाएगा, वही डॉक्यूमेंट कोर्ट की फाइल पर पढ़ा जाएगा जो कि एग्जिबिटेड होगा। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि दो लेटर प्रोड्यूस करें, एग्जिबिट P1 एंड एग्जिबिट P2, जो कि उनकी बेटी ने लिखे थे उन्हें कि जो उनका हस्बैंड है वो उसकी उसके साथ किस तरीके का बर्ताव कर रहा है। साथ ही उन्होंने 15 और लेटर जो हैं वो प्रोड्यूस करे, जो कि इकट्ठे 15 लेटर को एक सिंगल एग्जिबिट बना दिया, एग्जिबिट P6 हैं, जो कि उनकी बेटी ने ही लिखा है, जो कि उनकी बेटी की हैंड राइटिंग में है। और साथ ही वो ये कहते हैं कि उन्होंने कई बार अपनी बेटी को लिखते हुए देखा है, और स्कूल में जब वो लिखती थी या कॉलेज में जब वो लिखती थी तो वो अपनी बेटी की हैंडराइटिंग से बिल्कुल रूबरू हैं कि उसकी हैंडराइटिंग में ये लेटर्स हैं या नहीं। बेसिकली वो अपनी बेटी की हैंडराइटिंग को प्रूव कर रहे हैं क्योंकि जो उनकी बेटी है वो मर चुकी है। और साथ ही वो ये डिपोज करते हैं, ये कहते हैं कोर्ट में कि 25/10/2017 को जब उनकी बेटी अचानक उनके घर में आई तो उसके सिर से खून बह रहा था। क्षमा जो कि नेबर है एक्यूज्ड की यानी उसके हस्बैंड के पड़ोस में रहती है जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 बनी है, उसने आकर कोर्ट में कहा कि उसके हस्बैंड ने यानी कि जो सुभाष है, सुभाष ने कंप्लेनेंट को मारा है क्योंकि, और ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ था या ये जो लड़ाई का कारण था, ये उसको मारने का जो कारण था वो ये था कि वो दहेज नहीं लेकर आई है। डॉक्टर बासु प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 की तरह एग्जामिन होते हैं और ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो इंजरीज कंप्लेनेंट को आई हैं उन इंजरीज को एक्सप्लेन करते हैं, और वो बताते हैं कि एक फ्रैक्चर की रिपोर्ट लेकर आते हैं जो कि उसके सिर पर फ्रैक्चर आया है जो कि एग्जिबिट P4 है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर कुलकर्णी जो कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 बने हैं वो FIR को प्रूव करते हैं, और इन्होंने एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है और उसका अरेस्ट मीमो जो है वो एग्जिबिट P5 है। उसके बाद ये एविडेंस हो गई सारी। एविडेंस के बाद नेक्स्ट पैरा में आप देखेंगे तो एक्यूज्ड का पूरा वर्जन है। ये कहते हैं एक्यूज्ड ने सभी एलिगेशन को डिनाई किया है और साथ ही वो ये कहता है कि उसे इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है और साथ ही वो ये कहता है कि उसे इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है क्योंकि वो कहता है कि सुभाष यानी कि मैंने कंप्लेनेंट के साथ घर छोड़ने से मना कर दिया था और उसके पिता के घर जाने से मना कर दिया था, मैंने कहा था कि मैं अपने ही घर रहूँगा, तो मेरी इस बात के लिए वो मुझे झूठा फंसा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में जितना भी वर्जन था उसे डिनाई किया और साथ ही ये कहा कि इस पूरे इंसिडेंट का कोई आई विटनेस नहीं है, इसलिए प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो बिना किसी रीजनेबल डाउट के मेरे अगेंस्ट प्रूव नहीं होता है। ये पूरा हमारा केस है जहाँ पे प्रोसिक्यूशन का वर्जन आ गया, एविडेंस आ गई और एक्यूज्ड का वर्जन आ गया, पर आप क्वेश्चन देखेंगे तो एक्यूज्ड की साइड से कोई भी डिफेंस एविडेंस नहीं आया है। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरीके से करेंगे, जजमेंट राइटिंग पेपर में अटेम्प्ट किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे द कोर्ट ऑफ, अगर आपको कोर्ट का नाम पता है तो लिखेंगे, नहीं तो द कोर्ट ऑफ डैश जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखा जाएगा अगर पता है तो, नहीं तो फिर डिस्ट्रिक्ट कॉमा स्टेट लिखकर खाली छोड़ा जाएगा।
CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर राइट हैंड साइड पर आप लिखेंगे CIS नंबर, पता है तो लिख दीजिए, नहीं तो ब्लैंक, क्रिमिनल केस नंबर। उसके बाद पुलिस स्टेशन कौन सा है राइट साइड पर लिखेंगे, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता तो खाली। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखेंगे स्टेट ऑफ जो भी स्टेट है थ्रू SHO। इसके सामने तीन डॉट डालेंगे और लिखेंगे प्रोसिक्यूशन वर्सेस एक्यूज की पूरी डिटेल्स। पूरी डिटेल्स का मतलब है एक्यूज का नाम, उसके फादर का नाम, उसकी एज, कहाँ रहता है और कौन सा पुलिस स्टेशन है। फिर राइट हैंड साइड पर तीन डॉट डालकर लिखेंगे एक्यूज पर्सन। उसके बाद अब हमें यहाँ पर उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करना होगा क्योंकि हम क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं। चार्ज किस तरीके से फ्रेम होगा, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा चार्ज सेंटर में, और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा जाएगा आई, आई यानी कि आप, क्योंकि आप कोर्ट हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, तो यहाँ पर अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का नाम हमें पता है कोर्ट क्वेश्चन में तो वो लिखेंगे, अदरवाइज ब्लैंक। आई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट और स्टेट चार्ज यू एक्यूज्ड पर्सन सुभाष की पूरी डिटेल्स एज फॉलोस, क्या क्या उसके ऊपर आप चार्ज लगा रहे हो। देखिए आप जब भी चार्ज लगाओगे तो चार्ज के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि चार्ज लगाने का मतलब है कि आप एक्यूज को एक क्लियर नोटिस दे रहे हो कि आखिर उसने किया क्या है जो कि उसका किया हुआ एक्ट ऑफेंस बन गया है। तो आप पूरा एक्सप्लेन करके लिखोगे और साथ ही एक सेक्शन के लिए एक पैराग्राफ लिखोगे, जितने सेक्शन में आप उसके ऊपर चार्ज लगा रहे हो सबके लिए एक सेपरेट पैराग्राफ बनेगा। अब जैसा कि हमने फैक्ट्स पढ़ा तो फैक्ट्स के अकॉर्डिंग डाउरी की डिमांड है तो 498A का चार्ज बनेगा, और साथ ही सिर पर फ्रैक्चर आया है तो क्या किया है उसने, ग्रीवियस हर्ट किया है तो ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगेगा फर्स्ट। अब कौन सा पहले लगेगा कौन सा बाद में लगेगा, ये जैसा भी फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ पहले हुई है उसका चार्ज पहले लगेगा, जो चीज़ बाद में हुई है उसका चार्ज बाद में लगेगा। अब जैसे डाउरी की डिमांड पहले हुई है तो डिमांड ऑफ डाउरी यानी क्रुएलिटी जो है वो पहले चार्ज फ्रेम होगा उसका, और उसके बाद फ्रैक्चर हुआ है तो फ्रैक्चर का बाद में। कैसे लिखेंगे, दैट यू एक्यूज्ड पर्सन ऑन अलैज डेट टाइम एंड प्लेस, यहाँ पर लिखा जाएगा किस टाइम को किस डेट को किस प्लेस पर, बींग हजबेंड ऑफ द कंप्लेनेंट, क्योंकि आप कंप्लेनेंट के हजबेंड हो, आपने कंप्लेनेंट को हरेस किया है उससे चीज़ें मंगवाने के लिए, उसको कोअर्स करने के लिए उसके फादर से, किस लिए उसको आपने हरेस किया है, ताकि आप अपनी अनलॉफुल डिमांड जो कि कैश और कार की है वो मनवा सको, और क्योंकि वो कार और कैश आपको नहीं मिला है इसलिए आपने उसके साथ मार पिटाई करी है, उसे टोंट करते रहे हो कॉन्स्टेंटली, साथ ही उसे आपने अपने घर से यानी मैट्रिमोनियल होम से भी निकाल दिया है, इसलिए आपका ये जो एक्ट है ये ऑफेंस है क्रुएलिटी का, जो कि पनिशेबल है सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 में, और इस कोड की कॉग्निजेंस में है। सेकंड चार्ज आप उसके ऊपर लगाएंगे दैट यू एक्यूज्ड पर्सन ऑन अलेज्ड टाइम एंड प्लेस, जानबूझकर इंटेंशनली आपने कंप्लेनेंट को एक मूर्ति से स्टैचू स्टोन से हर्ट किया है हिट किया है, और जिसकी वजह से उसके सिर पर फ्रैक्चर आया है, इसलिए आपने जो ऑफेंस किया है वो है वॉलेंटारली कोजिंग ग्रीवियस हर्ट, जो कि पनिशेबल है सेक्शन 325 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 में, और इस कोड की कॉग्निजेंस में है। अब ये लिख दिया, यहाँ पर देखेंगे कि जब आप चार्ज देख रहे हैं तो पूरा एक्ट का पूरा नाम लिखा हुआ है इंडियन पीनल कोड 1860, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप चार्ज फ्रेम करेंगे तो जिस एक्ट में आप चार्ज फ्रेम कर रहे हो उसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं आएगी, उसको पूरा लिखना है विद ईयर, ठीक है, और लास्ट में ये लाइन लिखना भी ज़रूरी है कि इस कोर्ट के कॉग्निजेंस में है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि मैं यहाँ पर एक्यूज पर्सन को डायरेक्ट करता हूँ या करती हूँ कि ये कोर्ट उनको जो उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किए गए हैं उसमें ट्राई करेगी। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर डेट और प्लेस आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की साइन और सील लग जाएगी। फिर सेंटर में लिखेंगे प्ली ऑफ एक्यूज,
प्ली ऑफ एक्यूज्ड में क्या लिखेंगे कि हमने एक्यूज्ड को ये चार्ज पढ़कर सुनाए जिस पर कि उसने कहा मैं इनोसेंट हूँ, मैंने ये ऑफेंस नहीं करा है, मुझे इस केस में झूठा फंसाया जा रहा है, मैं गिल्टी प्लीड नहीं करता हूँ और ट्रायल को फेस करना चाहता हूँ, ये चीज़ लिख दी जाएगी। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर जो एक्यूज्ड है उसके साइन होंगे और राइट हैंड साइड पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के साइन और सील लगेगी। फिर आप सेंटर में फिर से लिखेंगे, अभी तक देखिए चार्ज फ्रेम हुआ था, अब जजमेंट पे आ रहे हैं। सेंटर में आप फिर से लिखेंगे द कोर्ट ऑफ कैपिटल लेटर्स में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। फिर आप सेंटर में लिखेंगे प्रिसाइडेड बाय, प्रिसाइडेड बाय में जो भी जज होंगे उनका नाम आएगा, नहीं है तो ब्लैंक। फिर राइट हैंड साइड पर दोबारा से CIS नंबर, क्रिमिनल केस नंबर, पुलिस स्टेशन और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर वही पहले की तरह स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ जो भी स्टेट है थ्रू SHO, फिर तीन डॉट डालकर राइट साइड पर प्रोसिक्यूशन वर्सेस एक्यूज की पूरी डिटेल और फिर राइट साइड पर तीन डॉट डाल के एक्यूज पर्सन। फिर दोनों की साइड से कौन से काउंसिल प्रेजेंट हो रहे हैं उनका नाम आएगा, क्योंकि स्टेट की साइड से तो ADPO होते हैं तो लिख देंगे कि ADPO आ रहे हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और डिफेंस के एडवोकेट का नाम पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता है तो ब्लैंक। उसके बाद सेंटर में आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे जजमेंट, किस डेट को प्रोनाउंस हो रहा है वो डेट यहाँ पर लिखेंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। अब देखिए कुछ कुछ पैराग्राफ तो ऐसे होते हैं जो कि सेम फॉर्मेट में सभी जजमेंट्स में आएंगे। अब देखिए यहाँ पैराग्राफ नंबर 1 में हमें क्या लिखना है कि ये जो केस है इसमें किस किस सेक्शन में चार्ज लगा है, जिन सेक्शंस में चार्ज लगा है वो पैराग्राफ नंबर 1 में आएगा। 2 में आएगा कि अगर कोई एडमिटेड फैक्ट है तो वो। पैराग्राफ नंबर 3 में प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी आएगी। पैराग्राफ नंबर 4 में डिफेंस की पूरी स्टोरी और प्ली ऑफ एक्यूज्ड या 313 की बात आएगी। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 में डिफेंस का पूरा वर्जन आएगा। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशंस बनेंगे। फिर आगे पैराग्राफ नंबर 6 से आप इन पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन को एज पर एविडेंस अप्रेज करना स्टार्ट करेंगे। जो आपके मार्क्स में एज मिलेगा वो आपको 6th पैरा के बाद, और बेसिकली 5th पैरा अगर आपका ठीक बना होगा तभी आप 6th पैरा से आगे अच्छे से चल पाएंगे, तो 6th पैरा से आपको मार्क्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले ये सारा फॉर्मेट था। अब पैराग्राफ नंबर 1 में लिखेंगे कि ये जो केस है हमारे सामने, यहाँ पर एक्यूज्ड को चार्ज किया गया है 498A और 325 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 में। इसके बाद जहाँ पर भी वर्ड इंडियन पिनल कोड आएगा वहाँ पर हम IPC लिखेंगे। यहाँ पर आपको ये बात लिखनी ज़रूरी होगी क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म जजमेंट राइटिंग में नहीं लिख सकते हैं, लिखनी है तो स्पेसिफाई करना होगा। चार्ज में हम स्पेसिफाई करके भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। उन्हें एक्यूज पर्सन को 498A और 325 IPC में चार्ज किया जाता है क्योंकि उन्होंने क्रुएलिटी करी है अपनी वाइफ पर फॉर डाउरी, और साथ ही उन्होंने अपनी वाइफ को ग्रीवियसली हर्ट किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि हमारे केस में ये एडमिटेड फैक्ट है कि ये दोनों एक्यूज और कंप्लेनेंट जो हैं ये हस्बैंड वाइफ हैं। पैराग्राफ नंबर 3 में प्रोसिक्यूशन की स्टोरी लिखेंगे। स्टोरी क्या है ब्रीफ में कि सुभाष और कमला जो कि कंप्लेनेंट है, इन दोनों की शादी हुई है 2 सितंबर 2014 को। शादी के बाद ही जो एक्यूज्ड है वो कंप्लेनेंट से डिमांड करना शुरू कर देता है कैश और कार की। अब क्योंकि कंप्लेनेंट के फादर ये डिमांड पूरी नहीं कर पाए हैं इसलिए वो अपनी वाइफ को टॉन्ट करता है, और 25/10/2017 को जब ये टोंटिंग चलती रही तो इसके बाद इन दोनों के बीच में बहस हुई और बहस के बाद ये गुस्से में आ गया, और जिसकी वजह से गुस्से की वजह से इसने अपनी पत्नी के सिर पर एक मूर्ति फेंक कर मारी और उसको बालों से खींचकर घर से बाहर निकाल दिया। जब वो अपने फादर के पास गई सारी स्टोरी बताई तो इमीडिएटली उन्होंने बिलासपुर सिटी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR लॉज कर दी। कंप्लेनेंट को उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन के लिए भेजा। सब इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने इन्वेस्टिगेट किया पूरे ऑफेंस को और विटनेसेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया, एक्यूज्ड को अरेस्ट किया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद कोर्ट में 173(2) ऑफ CRPC की रिपोर्ट सबमिट कर दी, जिस पर कि कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया 190(b) ऑफ CRPC में। अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ना कि किस सेक्शन में चार्जशीट आई है,
किस सेक्शन में कॉग्निजेंस लिया गया है, यहाँ से एज मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ें अप्रेजल में आएंगी और ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लिखनी होंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि जब चार्ज, अब यहाँ पे हमें डिफेंस का वर्जन लिखना है, तो वही लिखेंगे कि जब चार्ज पढ़ के और एक्सप्लेन करके बताया गया एक्यूज को, तो उसने कहा कि मैं गिल्टी प्लेड नहीं करता हूँ, मैं ट्रायल को फेस करना चाहता हूँ। और साथ ही जब उसको पर्सनली एग्जामिन किया गया 313 में, तो उसने सभी एलिगेशंस को डिनाई किया और कहा कि मुझे झूठा इस केस में फंसाया जा रहा है ताकि मैं अपना घर छोड़कर उसके घर पर रह सकता और मैं इस केस में दोषी नहीं हूँ। अब बात आ जाती है पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन की, किस तरीके से पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन बनेंगे। देखिए, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन बनेंगे कि आखिर हमारे को इस केस में प्रूव क्या करना है। जो जो एडमिटेड फैक्ट होंगे वो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन में नहीं आएंगे, पर जहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि एक पार्टी क्वेश्चन कर रही है और दूसरी उसको मना कर रही है, वो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन में आ जाएगा। जैसे कि ये बात एडमिटेड है कि वो हस्बैंड वाइफ हैं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चार्ज जो लगाते हैं या फिर आप चार्ज को देखकर भी पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बना सकते हो। पहला चार्ज है उसके ऊपर कि इसने, हस्बैंड ने जो है उसको, अपनी वाइफ को हरेस किया है और उससे कैश और कार मांगी है। तो पहला पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बन जाएगा कि क्या उस अलेजेड टाइम और प्लेस पर एक्यूज ने अपनी वाइफ को हरेस किया है और क्या उसको ऐसा कहा गया है कि वो अपने फादर से जाकर इस चीज़ को लेकर आए, और क्योंकि वो लेकर नहीं आई है तभी उसके साथ क्रुएलिटी की गई है, क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि क्या उस अलेज्ड टाइम और प्लेस पर एक्यूज ने जानबूझकर कंप्लेनेंट के सिर पर मारा और उसको, उसके सिर को फ्रैक्चर कर दिया। तीसरा बनेगा कि इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, अप्रेज करने पर, क्या इस केस में एक्विटल होनी चाहिए या फिर कन्विक्शन। सेंटर में आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे रीजंस फॉर डिटर्मिनेशन। जो आपने क्वेश्चन बनाए हैं ना ऊपर, अब आप उसको विद रीज़न अप्रेज करोगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट 1, 2, 3। 1, 2, 3 लिखने का मतलब है कि हम तीनों को इकट्ठा अप्रेज कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 में लिखेंगे एविडेंस की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए और कोर्ट ओवरबर्डन ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम सभी पॉइंट्स को एक साथ एनालाइज और डिटरमिन करेंगे। सेक्शन 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और इसके बाद जहां पर भी वर्ड इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा वहां हम IEA लिखेंगे। तो एज पर 102 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, द ओनस, इस पूरे केस को प्रूव करने का जो ओनस है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा। और ये कार्डिनल प्रिंसिपल है क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस का कि प्रोसिक्यूशन को एक्यूज्ड का गिल्ट प्रूव करना होगा, क्योंकि हमेशा कोर्ट एक्यूज्ड के फेवर में ही इनोसेंस को प्रिज्यूम करती है। तो अगर एक्यूज्ड का गिल्ट प्रूव करना है तो प्रोसिक्यूशन को बिना किसी रीजनेबल डाउट के ये प्रूव करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि उसने किस तरीके से अपने बर्डन को डिस्चार्ज करा है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगा कि प्रोसिक्यूशन ने अपने बर्डन को डिस्चार्ज करने के लिए सबसे पहले प्रोसिक्यूशन विटनेस वन, यानी जो कंप्लेनेंट है, उसको एग्जामिन करवाया, जिसने कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को सपोर्ट किया और ये कहा कि उसकी शादी 2 सितंबर 2014 को हुई थी। ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 9 में, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी फैक्ट है, इंट्रोडक्शन दे रहा है कि यहाँ से ये पूरी स्टोरी स्टार्ट हुई है। साथ ही उसने ये भी कहा कि शादी के बाद एक्यूज ने उससे डिमांड करना कैश और कार की शुरू कर दिया था। ये फैक्ट भी रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये एक्यूज का प्रीवियस कंडक्ट बताता है कि पहले उसने डिमांड करी है, क्योंकि डिमांड पूरी नहीं हुई है और फिर उसने उसके साथ मारपिटाई शुरू कर दी है। तो ये एक्यूज का प्रीवियस कंडक्ट बताता है, साथ ही ये मोटिव को भी कॉन्स्टिट्यूट करता है कि आखिर क्यों उसने ये मारपिटाई शुरू करी है। साथ ही वो ये कहती है कोर्ट के सामने कि क्योंकि उसके फादर उसके हस्बैंड की सारी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए थे, इसलिए उसने, उसके हस्बैंड ने उसके साथ मारपिटाई शुरू करी, उसके साथ डेली टोंटिंग करते थे। साथ ही वो कहती है कि 25/10/2017 को जैसा कि उसके हस्बैंड पहले से ही टोंटिंग करते आए हैं, तो उस दिन उसने काउंटर किया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में बहस हो गई और इस बहस की वजह से उसके जो पति हैं, यानी जो एक्यूज्ड हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं और उसके सिर पर मारते हैं एक मूर्ति से,
जिसकी वजह से उसको ये सारी चोट लगती है और उसके बाल खींचकर उसको घर से निकाल देते हैं। साथ ही वो कहती है कि वो उसके बाद अपने फादर के पास आई, उसने अपने फादर को सारी इंसिडेंट की खबर दी। ये फैक्ट कि उसको घर से निकाला गया फिर वो अपने फादर के पास आई, ये फैक्ट रेलेवेंट होगा सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है कि जैसे ही उसको घर से निकाला वो वहाँ पर आई, और ये रीजनेबली और लॉजिकली कनेक्टेड है पहले वाले से, पहले वाले फैक्ट से, यानी जैसे ही घर से बाहर निकाला तो वो अपने फादर के पास आई। साथ ही ये रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 में, क्योंकि ये कंप्लेनेंट का सब्सिक्वेंट कंडक्ट है जो कि फैक्ट इन ईशू से, यानी उसको चोट लगने से इन्फ्लुएंस हुआ है, ना वो उसको मारता ना वो घर से निकलती। साथ ही उसके बाद वो कोर्ट के सामने कहती है कि वो पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने वहाँ पर FIR लॉज कराई जो कि एग्जिबिट P1 है। उसके बाद जब FIR कोर्ट में पेश की गई तो FIR के साथ वो कोरोबोरेट करती है एज़ पर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 को जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसके सामने ये सजेशन रखी जाती है कि ऐसा है कि तुमने अपने हस्बैंड को कहा था कि वो वहाँ से घर छोड़ के तुम्हारे फादर के साथ रहे, तो वो इस चीज़ को, इस फैक्ट को डिनाई करती है अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में, और बाकी जो उसकी टेस्टिमनी है वो अनरिबटेड रहती है, उसके हस्बैंड उसको रिबट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने मोहनलाल जो कि फादर हैं कंप्लेनेंट के, उसको एग्जामिन करवाया एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 2, जिन्होंने आकर प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 की टेस्टिमनी के साथ कॉरोबरेट किया एज पर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन पर जब उसकी बेटी अचानक घर पर आई तो उसके सिर से खून निकल रहा था, ये फैक्ट रेलिवेंट होगा सेक्शन 7 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये फैक्ट इन इशू का इफेक्ट है। फैक्ट इन इशू क्या है? मारपिटाई। मारपिटाई का इफेक्ट है कि उस मारपिटाई की वजह से उसके सिर से खून निकल रहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि उसके जैसे ही उसकी बेटी उसके घर आई फिर वो इमिडिएटली बिलासपुर सिटी पुलिस स्टेशन में गए और FIR लॉज कराई। ये फैक्ट के सब देख के वो पुलिस स्टेशन गए, रेलेवेंट होगा सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है और रीजनेबली और लॉजिकली कनेक्टेड है पहले वाले से। साथ ही ये रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 में, क्योंकि ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो गया विक्टिम का जो कि फैक्ट इन इशू से इन्फ्लुएंस हुआ है। साथ ही इनके फादर ने दो लेटर प्रोड्यूस करे, एग्जिबिट P2 P3, जो कि उनकी बेटी ने लिखे थे अपने हस्बैंड के कंडक्ट के बारे में। उसके बाद उन्होंने 15 लेटर और पेश किए कोर्ट में जो कि उनकी बेटी ने लिखे थे, जो कि सभी एग्जिबिट P6 हैं। और उनके फादर कहते हैं कि मैंने अपनी बेटी को कई बार लिखते हुए देखा है, तो मैं अपनी बेटी की हैंड राइटिंग को समझ सकता हूँ कि ये मेरी बेटी की हैंड राइटिंग में है। मतलब बेसिकली उन्होंने इन लेटर्स को प्रूव किया है कि ये लेटर्स मेरी बेटी ने ही लिखे हैं, क्योंकि ये उसकी हैंड राइटिंग में है। और ये फैक्ट जो है, इस फैक्ट को कि हैंड राइटिंग फादर ने पहचानी है, ये अनकॉन्ट्रोवर्टेड रहता है, यानी कि जो उसके हस्बैंड है जो एक्यूज है इस केस में, वो इस बात को रिबट नहीं कर पाए हैं। अब क्योंकि उनके फादर जो हैं वो उसकी बेटी की हैंड राइटिंग को पहचान रहे हैं, तो ये फैक्ट रेलिवेंट होगा सेक्शन 47 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, और साथ ही जो ओपिनियन है इनके फादर का वो रेलिवेंट होगा। प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 आएगा यहाँ पे, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 हैं वो अनरिबट रहते हैं उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन में, यानी रिबट नहीं कर पाए हैं एक्यूज्ड उनके फादर को। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने उसके बाद शमा जो कि नेबर हैं एक्यूज की, उसे प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 की तरह पेश किया, जिन्होंने आकर कहा कि एक्यूज जो है वो कंप्लेनेंट को बहुत बुरी तरीके से रखता था, उसके साथ मारपिटाई करता था क्योंकि वो दहेज नहीं लेकर आई है। ये पड़ोसी भी जो है ये अनरिबट रहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन को दोबारा एग्जामिन की प्रोसिक्यूशन ने उसके बाद एग्जामिन करवाया डॉक्टर बासु को एज प्रोसिक्यूशन विटनेस 4, जिन्होंने आकर इंजरीज को एक्सप्लेन किया जो कि कंप्लेनेंट को आई थी, और साथ ही फ्रैक्चर की रिपोर्ट लगाई जो कि उसके सिर पर आया था, जो कि रिपोर्ट है एग्जिबिट P4। इनकी टेस्टिमनी जो है रेलिवेंट होगी सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, और ये भी रिबट नहीं हुए हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि नेक्स्ट विटनेस आए हैं सब इंस्पेक्टर कुलकर्णी, जिनको प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 बनाया गया है। इन्होंने FIR को प्रूव किया है, अरेस्ट मीमो एग्जिबिट 5 को प्रूव किया है जो कि इन्होंने प्रिपेयर किया था एज पर सेक्शन 41B ऑफ CRPC, और ये भी अनरिबट रहते हैं। देखिए, ये अनरिबटल वाली बात भले ही हमें क्वेश्चन में ना दी गई हो, पर
पर क्योंकि साइलेंट है तो हम यही मानेंगे कि वो रिबट नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर रिबट होते तो फिर हमें एक्सप्लेन करके बताया जाता। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन की एविडेंस जब क्लोज हुई उसके बाद एक्यूज को पर्सनली एग्जामिन किया गया 313 CRPC में, जिसमें उसने सभी एलिगेशन को डिनाई किया और उसने कहा कि मुझे इस केस में झूठा फंसाया गया है क्योंकि मैंने कंप्लेनेंट के साथ उसी के घर में रहना यानी उसके फादर के साथ रहने के लिए मना कर दिया था। अब आ जाती हैं एनालाइज करने पर, क्योंकि डिफेंस की एविडेंस तो है नहीं। अब आपको देखना है कि आपके सामने जो एविडेंस आई है तो क्या आप कन्विक्शन की तरफ जाते हैं या फिर एक्विटल की तरफ जाते हैं। अब जैसा भी आपको जाना है, कन्विक्शन या एक्विटल, तो आप ब्लाइंड ऑर्डर तो कर नहीं सकते, आपको हर एक फैक्ट को अप्रेज करना होगा। किस तरीके से होगा वो यहाँ देखिए, जो ये पार्ट हम कर रहे हैं ये वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर या तो जजमेंट राइटिंग आती नहीं है, मतलब आपको सिर्फ आंसर लिखना है, जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, और जहाँ पर पूरा जजमेंट आता है तो ये पैराग्राफ है जहाँ पे आपके मार्क्स जो हैं वो एज देंगे आपको। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो भी रेलेवेंट फैक्टर ड्यूली प्रूव किए हैं प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में, उन सभी को ध्यान में रखते हुए और प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, 2, 3 की अनरिबट टेस्टिमनी को देखते हुए, साथ ही एग्जिबिट P2, P3 जो कि अनइम्पीच्ड डॉक्यूमेंट एविडेंस रहे हैं उनको देखते हुए, क्योंकि ये जो एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं ये प्रूव हुए हैं एज पर सेक्शन 67 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इन सभी से ये एस्टैब्लिश होता है कि एक्यूज्ड ने कैश की डिमांड और कार की डिमांड करी थी कंप्लेनेंट से और उनके फादर ने और उनके फादर से, और जब उन्होंने ये डिमांड पूरी नहीं करी तो उसने अपनी वाइफ को यानी कंप्लेनेंट को मिसट्रीट करना शुरू कर दिया, इसलिए एक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है 498 का, ये प्रूव होता है उसके अगेंस्ट। साथ ही प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 की टेस्टिमनी से और एग्जिबिट P4 से ये क्लियर होता है कि कंप्लेनेंट को फ्रैक्चर आया है और ये जो चोट उसके सिर पर आई है ये एक्यूज्ड की वजह से ही आई है, और इस बात से ये प्रूव होता है कि जो इतना बड़ा फ्रैक्चर हुआ है मतलब कि उसे बहुत ज़ोर से हिट किया गया था। साथ ही प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 और प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 की टेस्टिमनी से ये बात प्रूव होती है कि एक्यूज्ड ने कंप्लेनेंट को उसके सिर पर मारा था एक मूर्ति से, इसलिए प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 और प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 की टेस्टिमनी से, साथ ही एग्जिबिट P4 से ये बात प्रूव होता है, और साथ ही जो एक्यूज्ड हैं उसके प्रीवियस कंडक्ट से ये प्रूव होता है कि प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो बनता है, और एक्यूज्ड के अगेंस्ट प्रूव होता है कि एक्यूज्ड ने इंटेंशनली कंप्लेनेंट के सिर पर मारा है क्योंकि वो उसको ग्रीवियस हर्ट देना चाहते थे और उसके साथ गलत तरीके से ट्रीट करते थे। अब इंटेंशनली क्योंकि उसको ग्रीवियस हर्ट दिया गया है जो कि voluntarily causing grievous hurt की डेफिनेशन में आता है, साथ ही actus reus और mens rea जो है इस ऑफेंस का वो प्रूव होता है, इंटेंशन प्रूव हो जाती है। प्रोसिक्यूशन ने बिना किसी रीजनेबल डाउट के 325 का ऑफेंस भी accused के खिलाफ प्रूव किया है, साथ ही accused की जो ये प्ली है कि प्रोसिक्यूशन का केस बिना किसी रीजनेबल डाउट के प्रूव नहीं होता है ये टीनेबल नहीं है, साथ ही एक्यूज ने ये कहा कि कोई आई विटनेस नहीं है तो ये बात भी टीनेबल नहीं है, क्योंकि इस तरीके का जो केस होता है वो चार दीवारी के अंदर यानी घर के अंदर ही होता है और इस तरीके के केसेस में आई विटनेस होना ज़रूरी नहीं है और आई विटनेस जनरली नहीं होता है, इसलिए जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनसे ये प्रूव होता है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव किया है कि कंप्लेनेंट के साथ हैरेसमेंट की थी एक्यूज ने, और साथ ही ये हैरेसमेंट जो की गई थी वो डाउरी की डिमांड के लिए की गई थी। उसके बाद कंप्लेनेंट जो है वो अपने फादर के घर पहुंची इंजर्ड स्टेज में, और मेडिकल रिपोर्ट से और डॉक्टर की ओपिनियन से ये बात भी प्रूव होती है, और एक्यूज इस टेस्टिमनी को रिबट नहीं कर पाए हैं। साथ ही शरद बिद्री चंद्र शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में गाइडलाइंस दी गई हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेस्ड पर, वो गाइडलाइंस भी इस केस में फुलफिल होती हैं प्रोसिक्यूशन द्वारा, साथ ही
एक्यूज की जो प्ली है कि उसे झूठा फंसाया गया है, ये ऐसी चीज़ उसने कोर्ट में प्रूव नहीं करी है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि ये कोर्ट कंक्लूड करती है कि प्रोसिक्यूशन का केस प्रूव होता है बिना किसी रीजनेबल डाउट के और एक्यूज इसे रिबट नहीं कर पाए हैं, इसलिए कोर्ट एक्यूज को 498A और 325 IPC में गिल्टी करती है। पैराग्राफ नंबर 15 में लिखेंगे कि जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट जो है वो टेम्परारीली सस्पेंड की जाती है, क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर यानी 248 क्लोज टू ऑफ CRPC पर उनको सुनने के लिए। फिर सेंटर में लिखेंगे री हियरिंग। पैराग्राफ नंबर 6 में लिखेंगे कि प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों की साइड को क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुना गया, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, एक्यूज ने कहा लीनियंसी बरतनी चाहिए। ऑफेंस के ग्रेव नेचर को देखते हुए कोर्ट ये ठीक नहीं समझती है कि एक्यूज को प्रोबेशन का बेनिफिट या फिर 346 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट देना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके का बेनिफिट एक्यूज को दिया गया तो मैट्रिमोनियल केस में ये बहुत ही डेंजरस हो जाएगा वुमेन के लिए और साथ ही सोसाइटी का जो विश्वास है कोर्ट पर वो भी उठ जाएगा। इसलिए कोर्ट लीनियंट अप्रोच की तरफ नहीं जाएगी और सभी रेलेवेंट फैक्टर सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ये फॉलोइंग सेंटेंस पास करती है। फिर आप एक फॉर्मेट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, एक्यूज का नाम, किस सेक्शन में कन्विक्ट किया है, कितनी इम्प्रिजमेंट देंगे, फ़ाइन कितना होगा और अगर फ़ाइन पे नहीं किया तो कितनी इम्प्रिजमेंट होगी लिखेंगे। एक्यूज का नाम सुभाष है, 498A में आप उसे पनिश कर रहे हो, 2 साल के लिए कर रहे हो, 5,000 का फाइन दे रहे हो, अगर 5,000 नहीं भरता है तो 30 दिन की और सिंपल इम्प्रिजमेंट दोगे। कुछ भी आप यहाँ पर एज पर दी प्रोविजन जितनी पनिशमेंट दी हुई है वो आप दे सकते हो। 325 में भी इसी तरीके से उसकी पनिशमेंट को यहाँ पर मेंशन कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे कि जो भी पनिशमेंट है वो कंकरेंटली रन करेगी एज पर सेक्शन 31। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे कि जो अगर फाइन पे नहीं करता है तो ये सब्सटेंटिव पीरियड के अलावा इन एडिशन टू ये अंडरगो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखोगे जो स्टेटमेंट है 428 में वो प्रिपेयर कर लिए हैं, यानी कि जितनी इम्प्रिजमेंट ये ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी या ट्रायल में काट चुका है वो सेट ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे एज पर सेक्शन 446A जो बेल बोंड है वो कैंसिल किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखोगे कि एक्यूज्ड से 437A के बोंड भराए जाते हैं कि अगर अपील में पार्टी जाती है तो ये अपीलेट कोर्ट में प्रेजेंट होगा और इनकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स की है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि जितना टोटल फाइन है उसमें से 2,000 रुपये विक्टिम को दिया जाता है एज पर विक्टिम कंपनसेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि कॉपी ऑफ जजमेंट जो है वो एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है एज पर सेक्शन 363 ऑफ CRPC। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर आप लिख देंगे कि ये जो जजमेंट है इस पर डेट साइन है कर दिए हैं और ये ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस किया जाता है। फिर राइट हैंड साइड पर आप लिख साइन कर देंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के। फिर लेफ्ट हैंड साइड पर दोबारा साइन होंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के। तो यहाँ जो जजमेंट है वो कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। हाँ, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके जो भी सजेशन या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।